यह घटना तब की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांव में घूम घूम कर अपने ज्ञान और विचारों का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध जिस भी गांव में जाते थे वहां के लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए एकत्र होते थे। लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होते थे और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते थे। लेकिन सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं को इतनी सहजता से नहीं अपनाते थे। कुछ लोग उनके उपदेशों का विरोध भी करते थे। यह कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां कुछ लोग बुद्ध के प्रति विरोध की भावना रखते थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देख करके पहले से ही नाराज थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध साधारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और उन्हें सांसारिक जीवन से दूर कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग इसे सही नहीं मानते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे बुद्ध का अपमान करेंगे और वहां से उन्हें भगा देंगे। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे, कुछ लोग उनके सामने आ गए। वे अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने बुद्ध को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बहुत सी कठोर और बुरी शब्दों का प्रयोग किया। उनका उद्देश्य बुद्ध को नीचा दिखाना और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना था। लेकिन बुद्ध वहां खड़े होकर के उन लोगों की बातों को शांतिपूर्वक सुन रहे थे। उनके चेहरे पर ना तो क्रोध दिख रहा था ना ही वो कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। बुद्ध के शिष्य यह देख करके हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे अपमानजनक शब्द को भी सुन करके बुद्ध कैसे शांत रह सकते हैं। शिष्यों में से एक ने सोचा कि उन्हें कुछ कहना चाहिए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्हें कुछ भी बोलने से डर लग रहा था। बुद्ध अपने स्वभाव के अनुसार धैर्य के साथ उन लोगों की बातों को सुन रहे थे। जब गांव के लोग अपनी पूरी ताकत से उन्हें अपमानित करने के प्रयास कर चुके थे, तब वे थक गए और पीछे हट गए। बुद्ध और उनके शिष्य धीरे से गांव के बाहर बढ़ने लगे। बुद्ध की शांति ने गांव वालों के मन में हलचल मचा दी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बुद्ध कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिए। वहीं बुद्ध के शिष्य भी इस घटना से काफी चकित थे। गांव के थोड़ी दूर जाने के बाद एक शिष्य ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान आपने उन लोगों का अपमान क्यों सहन किया? वे आप पर बिना किसी कारण का बुरा भला बात कह रहे थे, आपको गुस्सा नहीं आया? आपने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की ओर देख करके बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे रहा है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कुछ देर सोच करके जवाब दिया, उपहार तो उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो उसे देना चाहता था। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम्हें कोई व्यक्ति अपमानित करता है और तुम उसे ग्रहण नहीं करते हो तो वो अपमान उसी के पास रह जाता है जिसने उसे दिया है। बुद्ध का यह उत्तर शिष्य को बहुत गहराई से समझ में आया। उसने महसूस किया कि जब तक हम किसी भी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, तब तक वे हमें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। बुद्ध की यह शिक्षा उसके मन के गहराई में बैठ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के नकारात्मक विचार, शब्द या क्रोध केवल तभी हमें प्रभावित कर सकते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार करते हैं। अगर हम उन्हें अनदेखा कर देंगे और शांत रहेंगे तो वे विचार उसी व्यक्ति के पास लौट आते हैं जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया है। यह दृष्टिकोण जीवन में बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हों या जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों। बुद्ध का ये संदेश इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, वे हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के जैसे शांति और धैर्य के साथ उन स्थितियों का सामना करें तो हम न केवल दूसरों की नकारात्मकता से बच सकते हैं बल्कि अपने मन में भी शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारी ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।